2014 से जो भर्ती हुई थी संविदा भर्ती पे, वैसे ही 560 कर्मचारी हैं साधारण देखरेख में, उसको संविदा आधार पे हमको रखा जाए। ये तो बस अपना डेरा पकड़ के जिस जो कोना बच रहा है उस कोने में जाकर जमा हो जाते हैं हम लोग, जब तक बारिश होता है तब तक पानी नहीं मिलता। टैंकर भी पानी आता है 3:30 बजे और वो भी फटा हुआ, बोरिंग के पास लाते हैं उससे पानी बनाते हैं। अभी सर एक ही टैंकर अपने पास एक वो भी आधा पैसा है, रात भर पानी खत्म ये थे कि हमारे ये सब मांग है वो उसको पूरा उरा कर दीजिए, ऐसे बोल के वो नहीं किया तो नहीं किया तो उसको हरवा दिए, इसलिए हमारे पास नहीं आया वो। हो सकता बड़े दावा में वो जीत गया था ना, एक तो किसान को पकड़ा था और कर्मचारी बहुत पैसा है, बहुत भ्रष्टाचार है यहाँ। इतना पैसा है जैसे हम लोग एक ठो होल्डर लेते हैं दुकान में जाके 20 रुपया का, और हमारे ऑफिस में वो एक ठो बनता है किताब, उसमें पूरा रेट वेट रहता है ना, उसमें 90 रुपया का है एक, मतलब 20 रुपए का जो माल है प्रोडक्ट है उसका रेट किताब में जाने के बाद 90-40 रुपया हो जाता। तो भ्रष्टाचार जो है ना अधिकारी ही कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के भ्रष्ट अधिकारी है वो तो हमारे का शोषण ही कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए हैं जी, ये भी दिए बाल ठीक है, अभी तो बहुत खुश हो गया होगा आप लोग। क्या खुश होंगे सर, हम उनको छत्तीसगढ़ में सीएम बना दिए, उनका प्रभार उनको गद्दी में बिठा दिए और हम लोग यहाँ धरने में बैठे हैं और यहाँ न हमला हमारा खाना पीना ठिकाना नहीं है न। 11:42 का समय हुआ है और मैं नए रायपुर के तूता धरना स्थल में, इस जगह का तस्वीर जब आप बैकग्राउंड में देखे होंगे तो समझ गए होंगे ये तूता का धरना स्थल है और यहाँ पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुँचे हुए हैं। पिछले 11 दिनों से ये लोग यहीं पर हैं और इसी जगह में प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा जाए तो 11 दिन तक जब ये लोग यहाँ पर हैं तो अब एक प्रकार से जो जगह है स्थायी रूप से इनका घर बन चुका है और यहाँ खाना बनाते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ नहाना धोना सारा कुछ यहीं करते हैं। उसके बाद जब दिन होता है तो सुबह अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास इसी जगह से करते हैं। तो सभी अभी आराम कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन जो भाई साहब लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे वो सब बैठ गए हैं कुर्सी में। आप बैठे रहिए आप लोगों से ही बात करना है ठीक है, तो सभी से बातचीत करेंगे और क्या किन किन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करेंगे। एक आध और चेयर है, हाँ एक आध चेयर और हो तो ले आइए, सही बैठ के बात है। तो किन किन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, क्योंकि सरकार बदल गई है, बीजेपी की सरकार आ गई है और सरकार बदलने के बाद चुनाव, विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, आचार संहिता खत्म होने के बाद अब प्रदर्शन भी शुरू हो गया। तो भैया आप लोग कितने दिन हो गए आप लोग को बैठे हुए धरना में? करीबन 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए पूरे जी, 1 तारीख से चालू हुआ था, आज तारीख देख लो। हम लोग देख रहे हैं 11 दिन हो गए, 3 दिन पहले बहुत तेज बारिश हो रही है ठीक है, इस जगह में हम लोग देख रहे हैं उधर खुला है, आगे पीछे चारों तरफ खुला हुआ है, तो इतने लोग सोते गए थे जब बारिश होती है, तो बारिश होती है तो बस अपना डेरा पकड़ के जिस जो कोना बच रहा है उस कोने में जाकर जमा हो जाते हैं हम लोग, जब तक बारिश होता है तब तक। इधर बैठिए वैसे हिंदी नहीं बोलोगे छत्तीसगढ़ी, आप तो बस्तर वाले हल्की बोल रहे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल पाता हूँ, मैं सीखना पड़ेगा, सीख जाऊँगा। ये बताइए कितने दिनों से आपको यहाँ पे? आज के दिन से 1 तारीख से 11 दिन हो रहा है। 11 दिन हो गया? 11 दिन। 11 दिन में कोई नेता वेता लोग आए सुनने के लिए बातों को? ठीक है, यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, इस जगह कोई नेता पूछने आया नहीं, ना विभाग नहीं आया, नहीं आया कोई, नहीं आया। एक दिन आया था क्या, वो नहीं आया था ना, दीपक भाई आए थे वो दूसरा विभाग के लिए आया, ऐसा आप लोग के लिए नहीं आया? नहीं, आप लोग क्या गुनाह कर दिया भाई? पता नहीं, इसीलिए बैठे हैं कि भाई हमें बताया तो हमारी क्या 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 बोले, क्या बोले कांग्रेस हमारा मांग नहीं माना था। इधर 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 आएंगे ना तो मतलब आज करीब हो जाइए, मैं नीचे बैठेंगे क्या? नहीं नहीं आप नीचे नहीं, आप नीचे बैठोगे अच्छा नहीं लगेगा, मेहमान नीचे मत बैठिए, मैं भी बैठ जाता हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए। हाँ बताइए। हम मालिक कांग्रेस से मांग किए थे,
कि हमारे ये सब मांग है वो उसको पूरा उरा कर दीजिए ऐसे बोल के, वो नहीं किया तो नहीं किया तो उसको हरवा दिए, इसलिए हमारे पास नहीं आया वो। हो सकता बड़े दावा में वो जीत गया था ना, एक तो किसान को पकड़ा था और कर्मचारी को पकड़ा था, गंगा जल माई कसम खाए थे नियमित करूंगा बोला, नहीं कर पाया, इसलिए सरकार भी चले गए जल्दी ऐसा। और ये भी सरकार वैसी है, ये भी वैसी करेगा, जो कर रहे हैं ना पकड़ लीजिए माइक, हमारे ही एकदम खुल के बोलिए। सरकार से यही निवेदन है कि हमारी जो जायज मांग है, हम लोग ड्यूअल पंप नल जल जो देते हैं सेवा दे रहे हैं, पावर प्लांट लाइट जलाकर आज घरों को उजाला दे रहे हैं, और हमारी स्ट्रीट लाइट ग्रामीणों को हमारे ही द्वारा संचालन और साधारण के माध्यम से, मतलब ये क्रीड़ा विभाग जो है इसका यही काम है, यही काम है, और हमारी ही बदौलत संचालन और साधारण के बदौलत आज सरकार और विभाग जो है अवार्ड ऊपर अवार्ड पा रहे हैं, वो हमारे ही के कारण ही अवार्ड पा रहे हैं। अभी ना हम लोग जब पहुंचे तो कोई भैया बोले थे, याद नहीं स्पष्ट पता नहीं मुझे, कि भैया इस विभाग में बहुत पैसा है, बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है, यहाँ इतना पैसा है। जैसे हम लोग एक ठो होल्डर लेते हैं दुकान में जाके 20 रुपया का, और हमारे ऑफिस में वो एक ठो बनता है किताब, उसमें पूरा रेट वेट रहता है ना, उसमें 90 रुपया का है एक, मतलब 20 रुपए का जो माल है प्रोडक्ट है उसका रेट किताब में जाने के बाद 90-40 रुपया हो जाता है ऐसा। सरकारी रेट 90 रुपया है, तो मैं 20 रुपया ले गया और बिल बनवाया 90 रुपया। तो भ्रष्टाचार जो है ना अधिकारी ही कर रहे हैं, बाकी पैसा कहाँ जाएगा? जो जई ये है बड़े बड़े विभाग हमारे अधिकारी बैठे हैं वो सब भ्रष्ट है, और जो नीचे कर्मचारी का है ना उसकी शोषण कर रहे हैं। सबसे पहली बात हमको नियम दर आज मनाकर आज बड़े हमारे और पोस्ट में बैठे हुए सीओ महोदय जी है, सीओ अधिकारी जी हैं, उसको कोई मालूम नहीं है, लेकिन जो नीचे के भ्रष्ट अधिकारी है वो तो हमारे यहाँ शोषण ही कर रहे हैं। अपने यहाँ ये परिवारवाद है, ये जो विभाग है एक परिवारवाद है, एक परिवार के चार लोग काम कर रहे हैं, किसी का 5 लोग काम कर रहे हैं, और जो अधिकार के लिए अपना धरना प्रदर्शन में आए हैं उसके भाई का शोषण हो रहा है, ये भ्रष्ट है। हमारी जो क्रीड़ा विभाग के जो जितने भी कर्मचारी के हैं उसके चाचा भतीजा जो या किसी का भाचा दामाद यही सारे लोग भ्रष्ट में है, इसी कारण हम लोगों का आज मांग पूरी नहीं हो पा रही। अगर निष्पक्ष जांच की जाए ना तो ये निकल के आएगा, आपको पूरा सारी रिश्तेदारी क्रीड़ा में मिल जाएगी आप पूरा परिवार समझ, जैसे बोलते हैं कर्मचारी वाला परिवार है बेटा, यही ये CGPSC में हुआ था। अरे ओकर ले भयंकर है, बहुत ज्यादा है, और इसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे धरना इस बात में आएगा कि हमारी जायज मांग है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में मुंडन तभी होते जब कोई मर जाता, 2014 हमारे भाई है विभाग के नाम से बाल दे दिए थे कि पूछने तो आ नहीं रहा है, आप लोग भाग को सद्बुद्धि आ गया। 2014 में जो विभाग संविदा भर्ती करके नियुक्ति के साथ हम लोगों को सोलर हैंड पंप टेक्नीशियन के रूप में लिए थे, आज विभाग की विडंबना ये है और शासन की विडंबना ये है कि सबका प्रमोशन होता है, और आज जो जल और बिजली दोनों आज साधारण का काम करते हैं उसका सिर्फ डेमोशन हो रहा है। इस विरोध में हम लोग यहाँ पे धरना में बैठे हैं कि आज सबका प्रमोशन होता है हमारा जो है, और जो संविदा में आए थे उसको जो छोटे कर्मचारी हैं उसके खाली डिमोशन ही कर रहे हैं। ये आप लोग जितने लोग हो ये लगभग ज्वाइनिंग कब हुई होगी आप लोग की? 2014 में नियुक्ति प्रमाण पत्र, मतलब 10 साल हो गया, 10 साल से विगत 10 साल से शोषण हो रहा है।
दस सालों से शोषण है। हाँ, दस साल से शोषण है। ये आप लोग अभी प्रदर्शन कर रहे थे, पहले तो और भी मांग कई बार की, बहुत सारे रखे सर, पचवर से निकल गए पहले और सरकार थे और यही सरकार और थी। अभी वर्तमान में जो भाजपा सरकार थी 2014 में, 2014 में हम लोग संविधान आए थे, सबका प्रमोशन हो गया, हम लोग 10 साल से शोषण में डिमोशन हो रहे हैं। अभी आप लोगों की क्या क्या मांग है, आप लोग क्या चाहते हैं? हमारा यही मांग है सरकार से कि जो 2014 से जो भर्ती हुई थी संविदा भर्ती पे, वैसे ही 560 कर्मचारी हैं साधारण देखरेख में, उसको संविदा आधार पे हमको रखा जाए, सभी टेक्नीशियन। अभी ठेकेदारी जो चल रहा है, हाँ, उसको बंद किया जाए, पूर्णता है जी। हाँ, हम लोगों से क्या किया जाता है? हाँ बताइए। 100 रुपए का स्टाम्प मंगाया जाता है। हाँ, तो स्टाम्प मंगा के फिर उसमें कई सारी कंडिकाएं लगाई जाती है जिससे कि हमारा पूर्ण शोषण ही होता है। बहुत सारे ऐसे नियम है जो आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्या ही कर रहे हैं इन लोग, ये कर्मचारी है कि कोई, यानी बंधुआ मजदूर से भी गए गुजरे बना दिए हमको, तो यानी कौन सौ के स्टाम्प में ऐसा इस टाइप का कंडिकाएं रखता है कि आप किसी भी चीज के लिए विभाग से मांग नहीं कर सकते, आप शासन से मांग नहीं कर सकते। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी जिम्मेदारी, अगर आपके अंतर्गत कोई हेल्पर है तो मर गया तो वो आपकी जिम्मेदारी, बीमा भी आप अपने पैसे से करा लो, हम तो कुछ नहीं करने वाले, हम तो एक मुश्त आपको पेमेंट देंगे, हो गया, उसके बाद हमें भूल जाओ आप, ऐसा नहीं। आप लोग जितने लोग हो, कहाँ कहाँ से हो? अभी सुकमा, कोंटा, बीजापुर, दुर्ग, दुर्ग जिला में तो हमारे जो एसी महोदय जो बैठे हैं श्रीमान भानु प्रताप जी है ना, आप लोग को 11 दिन हो गए हैं, नेता वेता लोग मिलने आए नहीं है, उम्मीद है कि अभी आएंगे कोई, या किसी को सपना आया कि क्रीड़ा कर्मचारी लोग हैं वो लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं तो कोई नेता आ जाएगा उठ के आप लोग से रात को बात कर लेगा? थोड़ा थोड़ा सपना, वो सपना आया था, हाँ, कल आया था, लेकिन ना सुबह उठा टूट गया सपना, टूट गया था हमारी जो है सपना, तो देखना है, हमारा सौभाग्य है कि हाँ सपना देखने से ही कुछ मिलता है, जो सपना जो देखते है ना कुछ नहीं मिलता, इसीलिए जल्दी सो गया था सपना देखने के लिए, शादी है ही आया था, आज रेगुलर होंगे कल होंगे, ये देखने वाला था सपना, हम लोग उठा दिए वाला था, भाई लोग उठा दिए, टूट गया है नहीं, ये तो अच्छी बात है कि सपना देखना सबको चाहिए, ये भी देख रहा था सपना बस्तर से, कहां से हो आप जी? मैं नारायणपुर से हूं। नारायणपुर से हैं जी? आप कब से कर्मचारी हैं? मैं 2019 से हूं। 2019 से जी? ऐसा अब तो बस मतलब छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए, ये भी दिए बाल, ठीक है, अभी तो बहुत खुश हो गया होगा आप लोग। क्या खुश होंगे सर, हम उनको छत्तीसगढ़ में सीएम बना दिए, उनका प्रभार उनको गद्दी में बिठा दिए और हम लोग यहाँ धरने में बैठे हैं और यहाँ न हमला, हमारा खाना पीना ठिकाना नहीं है, न हमारा परिवार चिंतित में है कि भाई इतना दिन से है तो कहाँ है, अब क्यों घर नहीं आ रहे हैं, इस परिस्थिति होता है। जब हम लोग जब साइड में जाते हैं तब भी वही परिस्थिति है, भाई अब सवेरे से निकले हैं शाम तक कितना समय घर आ, कितने कब आएंगे, कब खाना पीना ना, हम लोग एक बार जाते हैं तो जान को जोखिम में डालकर ही हम साइड जाते हैं। घर में कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं आप? और हमारे हैं फैमिली है, परिवार है, भाई है, माता पिताजी और बहन, माता पिताजी, आपकी शादी नहीं हुई ऐसा? तो घर चलता कैसे है? घर चलता है सर, अब खेती बाड़ी से जैसे भी है, घर में है भाई लोग, माता पिताजी लोग, लोग चलाते हैं। अब हम लोग का जो हम लोग को क्रेडा में काम करते हुए हमारा जो हमको पेमेंट दिया जा रहा है, पैसा जो वेतन दिया जा रहा है, वो हमारा कोई कमाई नहीं है, वो हम लोग का जो पेमेंट मिलता है केवल क्रेडा में ही खपत हो रहा है। जैसे हमारा पेट्रोलिंग हो गया, गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी का मेंटेनेंस हो गया, पेट्रोल कितना मिलता है बताओ? पेट्रोलिंग के लिए एक मुश्त एक महीने 2200 पूरे साइट के लिए, कितने वेतन मिलता है? 14,000 में आप 7,000 कटा है वो माइनस कर दीजिए, मात्र पेट भरने के लिए 7,000 बचता है।
ये तो बड़ा मुश्किल काम, घर कैसे चलेगा फिर ऐसा। यही तो सरकार का भी दबना है सर, हम तो सरकार से ही मांग रहे हैं कि हमारा भी पेट रोजी भाई, हमारा इतना दिन चल जाए, टेक्नीशियन लोग हमारी भी भविष्य बन जाए, हमारा भविष्य बने, इसलिए हमारा कुछ मांग है। हमारा कुछ ज़्यादा इतना परेशानी हो जैसे कुछ ज़्यादा मांग नहीं है भाई। हमारा अनुबंध जो प्रथा है उस अनुबंध प्रथा को समाप्त करके हम 2014 से जो मैं संविदा नियुक्ति हुई थी उसी को आधार मानकर हमें संविदा पे संविदा में रखे। मतलब सरकार के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, नहीं है, एक नहीं है सर, एक ही लाइन में बात करते हैं। हमारे विभाग में 2012 में 27 रेगुलर कर दिए, उसी पे उसी का आधार मान सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। 2012 में विभाग तरफ से 87 लोगों का रेगुलर किया गया, अभी 2022 में उसी 87 लोगों का दोबारा रेगुलर हुआ है, उन्हीं लोगों का जो इन लोगों का रेगुलर हो चुका है, संविदा बता के शासन से वित्तीय सहयोग लेके उसी को डबल रेगुलर किया। ज्वाइनिंग लेटर किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। जो हमारे पास है, जो 2 महीने भी काम पहले पूर्व में 2 महीने भी काम किए हैं, 1 दिन भी काम किए हैं, 1 महीने भी काम किए, रेगुलर हुए हैं, पर हम अभी तक 10 साल से ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जहां नक्सलाइड है, नदी नाले पार करके जा रहे हैं, फिर भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा, जिससे क्रेडा का मूलभूत मेंटेनेंस संधारण संचालन होता है उसमें हम काम करते हैं सर। ये बताइए, आप लोग इस जगह में है, हम लोग देखते आ रहे हैं, मतलब जब शहर से आओगे, रायपुर आओगे और तूता आओगे, तो मतलब यहाँ पे तो कोई गाड़ी चल भी नहीं रही है, ठीक है, एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। तो ऐसे जगह में आप लोग सोए हुए हो, रहते हो, अभी तो डर नहीं लगता इस जगह में। कल तो सर एक कोहरा नाग भी देखा गया था यहाँ मैदान में, ये खुला जगह है ना, ये तो खेत में, एक मैडम को बिच्छी भी काट दिया, जो शिक्षक आई थी उसको बैठी थी, और डायरिया फिर बहुत सारे 3-4 लोगों को डायरिया हो गया, तबियत खराब हुआ, शासन का ये लचीलापन है, धरना स्थल तो सिटी से बाहर रखे हैं ताकि उसकी आवाज बुलंद ना हो, सबसे पहली बात है ना, इसका एक ही कारण है। यहाँ तो बना दिए हैं धरना स्थल, विभाग के कोई भी कर्मचारी आए तो वहीं पे रहे, इसकी आवाज बुलंद ना हो। लेकिन ऐसा है कि आज आप लोगों की जो मीडिया में है ना, वो हमारी आवाज को देश और सरकार तक पहुंचाने के कार्य कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए आप और भागीदारी ये है, ये हमारा काम है, हम नहीं दिखाएंगे तो हम पत्रकारिता करते ही ना। जी जी जी। और सर जी, यहाँ अभी बाकी विभाग वालों का भी चल रहा है हड़ताल वगैरह, है ना, कुछ कुछ मांग अपनी लेके बैठे, मगर वो 5 बजे तक बैठते सारा समेट के चले जाते वापस। हम लोग दिन रात यहाँ रह रहे हैं अपने परिवार। ये बताओ भाषा कहाँ बनाते हो यार, दिखाओ ना कहाँ पे बनाते हो, गांधी कहाँ पे, चलो देखते हैं, खट्टा भाजी बनाए थे, खट्टा भाजी हम आए उधर खा लेते हैं, हमारी भाजी और दाल बनाए थे, मोर भाड़ी, मतलब मैं भाड़ी शौकीन हूँ ना भाजी वाजी के। देखिए ये जगह है, इस जगह में खाना वाना बनता है, ये बाद में खत्म हो गया हमारी भाजी तो फिर और बनाना पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पे अपना भंडारा बनता है, खाना बनता है, कितने लोगों का खाना बनता होगा, लगभग 300 लोगों का, 300 लोगों का खाना बन जाता है, सुबह शाम दोपहर सुबह हम ही लोग बनाते हैं, आप ही लोग बनाते हैं जी। और जो खाना की चावल व्यवस्था है, राशन पानी जो है, पूरे टेक्नीशियन साथी जो क्षमता बनता है लेके आ जाता है वो देते हैं ऐसा। तो ये तो ठीक हो गया, खाना वाना बनता है यहाँ पे, ये अच्छी बात है। उधर स्टोर, अरे वाह, खट्टा बाजी, क्या बात, बहुत खट्टा लग रहा है, पूरा बाजी है वो, खट्टा बाजी और खट्टा बाजी है, मतलब टेस्ट कैसा लगा है, खट्टा लगा एक नंबर है। हम भी लोग बनाते हैं, थोड़ा खट्टा लगाते हैं, बाजी लगाते हैं, तुच्छी लगाते हैं, ये बताओ ये यहाँ पे खाना बन जाता है, उसके बाद नहाना धोना फ्रेश होना नित्य नियम कहाँ होता है, ये तो तालाब जाते हैं, 1 किलोमीटर में तालाब है, वहीं जाते हैं, वहीं डूबते, एक भैंसा बगल में, भैंसा लोग रहते हैं, भैंसा ही सब जो है नहीं, जब यहाँ बांट सकते हैं तो भैंसा से बढ़ के भी है नहीं, हम लोग
अपने सौभाग्य साथ मानते हैं। उधर स्टोर रूम, हम लोग का वो स्टोर रूम, ये स्टोर रूम, ये स्टोर रूम है। इधर देखिए हम लोग पूरे जो है, हाँ बताइए, एक साथ बैल ये स्टोर रूम का, ये पूरा स्टोर रूम है। स्टोरेज रखे हो अभी? अलग दो दिन आते हैं, दो टाइम बनाएंगे ना तो दो तीन टाइम में खत्म कर रहे हैं। सारी सुविधा एक हमारे वहाँ पे है। भैया कुछ बोले? हाँ बताइए। टेंशन में ज्यादा खा लेते हैं बात करते करते। और लो यार थोड़ा खाओ, बातचीत करते। कभी कभी तो ककड़ी वगैरह रहते, कच्चा खाना पड़ता है ककड़ी को भी। क्या विडम्बना ये है, वो ककड़ी है इसलिए कच्चे का चबाना पड़ता है। और पानी नहीं मिलता, टैंकर भी पानी आता है 3:30 बजे और वो भी फटा हुआ। बोरिंग के पास लाते हैं, हाँ। पानी बनाते हैं। अभी सर एक ही टैंकर अपने पास एक, वो भी आधा भरता है, रात भर पानी खाली हो जाएगा। टैंकर ऐसा भेजते हैं हमारे नगर निगम वाले भाई कि इसको पानी उपलब्ध ना हो, ऐसा बहाता है पता नहीं उसका क्या रहता है। हम लोग तो पानी उपलब्ध करवाते हैं, हमको तो दुआ मिलती है, लेकिन निगम का ऐसा विडम्बना है कि पानी भेजो लेकिन पानी ना मिले। देखो हंसते हंसते बात करना, मतलब ये मत समझिएगा कि बहुत हंसी मजाक वाला मामला है। सभी खुश है लेकिन अपनी पीड़ा को बता रहा है, अपनी समस्याओं को बता रहा है। सबके तो पास समस्या है और समस्याएं कितनी बड़ी है। भैया बता रहे थे कि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ सरकार व्यवस्था की है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं की है, की गई है लेकिन इनके पास अब फिलहाल व्यवस्था नहीं है। वो तो खंडहर हो गए सर, खंडहर हो गए, लेट बाथरूम नहीं है यहाँ पे। हम लोग आज हंसी मजाक इसलिए कर रहे हैं, आप आए हो रात को, नहीं ये जरूरी है। आप रात को आपकी समस्या को तो हम तो व्यक्त करेंगे एकदम एकदम जरूरी है, लेकिन रात में हमारे भाई जो है ना, हम सब खुश रहे, खुश रहे जहाँ पे है सब खुश है। देखिए हम लोग अपना तकलीफ भूलते हैं, दिन भर का जो तकलीफ है, आज भी दिन भर हमको कोई अच्छा चीज नहीं मिला, कोई हमारे पास नहीं आया, हमारा विभाग नहीं मिला, हम लोग तो हम लोग रात को सब भाई एक साथ मिलके एक साथ दुख सुख सभी बात भूल जाते हैं और सोते हैं चैन से। फिर क्या बात, क्योंकि कल सुबह फिर आएगा, फिर हमारा सुख तो आना और जाना है सर। हम लोग को जो दर्द है ना, उसको एक बार नहीं हमको 50 बार मीडिया वाले बताना पड़ता है। अब सोचो आदमी जब उसी तकलीफ को बार बार अपनी जुबान से बताता है तो कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा रात में। हम उस टेंशन को, अपने परिवार को वो सब भूल के यहाँ पर आके 11 दिन से बैठे हैं, तो हम उस परिवार की तकलीफ को छुपाने के लिए हंसी मजाक करते रहते हैं ताकि वो दर्द हमारे अंदर मत जाए ना। मुझे सर तालाब में, सर तालाब में नहाता हूँ ना, मुझे एलर्जी हो जाता है। देखिए ये तालाब में नहाने के कारण मैं क्या करूँ, अब मुझे यहाँ आना भी जरूरी है और सब करना भी जरूरी है, पूरा एलर्जी हो जाए तालाब में नहाने से। क्या करे आदमी, किस परेशानी में रह रहा है। जो सुन रहा है हमारी बातें उनको ऐसा लगता होगा नहीं यार जैसे भी है ठीक है, मगर हम जो रह रहे हैं हमें परेशानी पता है हमारी, किस दुख में हम लोग ऐसा है। बस हंसी मजाक करके अपना समय निकालते हैं कैसे भी करके, सोचिए परेशानी बहुत है। ये पूरा ये दिक्कत इस जगह की व्यवस्थाएं दिखानी बहुत जरूरी है, व्यवस्थाएं भी और हम तो सुने कि यहाँ कुछ जैसे धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाता है साफ सफाई वाले भी आते हैं, मगर हमने आज तक नहीं देखे, 11 दिन हो गए हमने आज तक नहीं देखे कोई साफ सफाई करने यहाँ आया है। हम ही लोग करते हैं, हम ही लोग करते हैं यहाँ से झाड़ू वाड़ी। सरकार एक धरना स्थल बना दिया है और सरकार को लगता है कि यहाँ लाने वाला झाड़ू खाली धरना देंगे और चले जाएंगे। जी सर, यहाँ सरकार का कोई दृष्टिकोण नहीं है, सब अनदेखा कर रहा है। जी सर, और ये अनदेखा जबरदस्ती किया जा रहा है, जान बुझ कर किया जा रहा है। देखो अगर यही पास नेता लोग आते हैं, यही धरने में भाषण देने नेता आते हैं, मंत्री आते ना, तो यहाँ चकाचौंध रहता। क्यों? जो भाषण उनका सुनने आते हैं ना गरीब लोग, उनको ये मत लगे कि कुछ नहीं मिल रहा है। और हम लोग यहाँ तकलीफ दे के, हमारा विभाग इतना तकलीफ देता है, उस तकलीफ को लेकर हम यहाँ आते हैं। तो जितना तकलीफ विभाग देता है उससे ज़्यादा तकलीफ हमको यहाँ झेलना पड़ता है। इससे अच्छा तो वो शमशान घाट है जिसको एकदम मस्त गार्डन टाइप सजा के रखा है, जब आदमी मर जाता है उसको अच्छे से सजा रखो, जब जहाँ आदमी जिंदा है उसको नरक से ज़्यादा बदतर बना दिए। होता है ना शमशान घाट के मुर्दे ज़्यादा खुश है, वो ज़्यादा खुश है हम लोग तो।
हम तो जिंदा है, लेकिन मुर्दा है जो है ना वो शांति घाट में शांति ही पाता है। तो देखो ये सभी जो भाई साहब लोग हैं सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगे है, ये चाहते हैं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द खत्म हो और हम भी घर लौटे, हम भी अपने परिवार के साथ रहे, हम भी हमारे बच्चों के साथ खाना खाए। लेकिन लगभग 11 दिन हो गए, 11 दिन ये लोग इसी धरना स्थल में अपनी मांगों को, अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं, यहीं पर खाना खाते हैं, यहीं पर रहते हैं, यहीं पर सोते हैं और फिर सुबह लग जाते हैं सरकार को याद दिलाने के लिए हमारी मांगे पूरी करो। और ये कब तक चलेगा ऐसा पता नहीं, और इनकी मांगे, इनकी आवाज़ बुलंद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम नहीं दिखाएंगे इनकी आवाज़ तो कौन दिखाएगा। इसीलिए मैं रात के 12 बजे आया हूँ और इनकी पीड़ा, इनकी समस्या है, इनकी आवाज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, उन नेताओं को इनके दर्द दिखाना चाहता हूँ जो चुनाव से पहले वादे तो करते हैं कि हम हर किसी की समस्याओं को सुनेंगे और जल्द से जल्द उसकी समाधान भी करेंगे, लेकिन नेता बनने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद सारे जनता को भूल जाते, उन नेताओं को ये देखना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन नेताओं तक ये वीडियो पहुंचे और उनको एहसास हो कि हमारे कारण से इन लोगों को कितना दर्द हो रहा है, कितना पीड़ा हो रहा है।